वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? सो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था या परसों मैंने अपलोड किया था किस तरह से मैंने हेयर हाइलाइट्स करवाए हैं, तो उस वीडियो को आप चेक कर लेना अगर आपको डिफरेंट लग रहा होगा मेरा हेयर कलर, क्योंकि मैंने कलर करवाया है। आज मैं करवाने वाली हूँ केराटिन, बट आज जो मैं केराटिन करवाने वाली हूँ बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगी किस तरह से केराटिन करते हैं, क्या होता है केराटिन ट्रीटमेंट, कैसे करना चाहिए, कितना प्रोसेस है, सब कुछ मैं दो दिन के बाद का रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी। तो जिस ब्रांड का मैं केराटिन यूज कर रही हूँ वो है जीके का। तो जीके का मैंने कभी वीडियो शेयर नहीं किया आज तक, मैंने लक्सलीज का, फिर केराफाइन एंड एक और ब्रांड है मैंने ट्राई किया है, बट मैंने आपसे जीके का कभी शेयर नहीं किया था। तो मैंने सोचा चलो न्यू ब्रांड भी एंड काफी कॉस्टली भी है, तो मैं अपने हेयर में करवाऊंगी एंड आपसे मैं ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी मुझे कैसा लगा, सो वर्थ द मनी है या नहीं ये मैं आपको बताऊंगी। बाय द वे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बिफोर आपको हेयर का लगा दूंगी जो मैंने हेयर हाइलाइट्स कराया, ताकि आप देख लोगे टेक्सचर कैसा लग रहा है एंड केराटिन के बाद कैसा लगेगा। तो बाकी जो भी डिटेल प्रोसेस होता है मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो लास्ट वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। ये रहा जीके का केराटिन। तो मैंने इसको ना कहाँ से मंगवाया, मैंने इन्हीं के वेबसाइट से इसको मंगवाया है। तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से इसमें नंबर भी रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट यहाँ पे प्योरीफाइंग शैम्पू, जिसे हम बोलते हैं पीएच प्लस शैम्पू, क्लैरिफाइंग शैम्पू भी इसको बोला जाता है। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें हेयर से पूरा डर्ट निकालना होता है। तो बहुत ही अच्छा ये प्योरीफाइंग या क्लैरिफाइंग शैम्पू है। इससे क्या होगा, आपका हेयर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, हेयर के क्यूटिकल्स ओपन हो जाएंगे, जिसके वजह से आप जो केराटिन करोगे ना उसका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। सो ये रहा वन नंबर। सेकेंड जो कि मेन क्रीम है इस केराटिन का, वो है ये जीके का केराटिन ट्रीटमेंट क्रीम। ये रेसिस्टेंट वाला मैंने मंगवाया हुआ है, आप देख सकते हो। इसमें ना दो वेरिएंट आई गेस आते हैं, बट मैंने इसका ही सुना था कि ये बहुत अच्छा है, इस वजह से मैंने इसको मंगवाया। बाकी सारे डिटेल्स आपको बैक में मिल जाएंगे एंड इसकी प्राइस आप देख सकते हो कितनी है, 12,500 रुपीज। काफी कॉस्टली आपको सिर्फ और सिर्फ 300 ml मिल रहा है एंड मेरे हेयर में आई गेस 150 ml तो लग ही जाएगा। सो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट। थर्ड है शैम्पू एंड कंडीशनर, जो कि मैंने मॉइस्चराइजिंग वाला मंगवाया। एक इसमें और वेरिएंट आता है, मेरी ड्राई हेयर है इस वजह से मैंने यह मॉइस्चराइजिंग वाला मंगवाया, आप कोई और भी मंगवा सकते हो, इसमें एक और आता है ऑयली के लिए। सो मेन जो होगा ना यही प्रोडक्ट होगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप मान लो ये नहीं लेना चाहते हो, अगर आपके पास कोई अदर ब्रांड का क्लैरिफाइंग शैम्पू था वो भी यूज कर सकते हो एंड आप 3 और 4 नंबर ना, मतलब 3-4 नंबर आप छोटा वाला भी ले सकते हो, इसका आता है। बट ये जो होता है ना ये 300 ml ही डायरेक्ट आता है एंड एक 1000 ml आता है। सो ये तो हो गया। नेक्स्ट आपको चाहिए सेक्शन क्लिप, आपको कॉम, ग्लव्स एंड सीरम। तो यहाँ पे मैं वेला का सीरम यूज कर रही हूँ। सो ये दोनों का ना आज यूज नहीं होगा, 48 आवर्स के बाद जब हम हेयर वॉश करेंगे ना, या फिर क्लाइंट को जो हम शैम्पू रेकमेंड करेंगे, क्योंकि हम क्लाइंट को, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है अभी, तो मैं अपने पार्लर में खुद करा रही हूँ, तो क्लाइंट को हम हेयर वॉश कर देंगे एंड केराटिन डायरेक्ट कर देंगे। 3rd, 4th नंबर वो हमसे परचेज कर सकते या मार्केट से ले सकते एंड 3rd, 4th नंबर वो क्लाइंट यूज करेंगे, 1 नंबर क्लाइंट को यूज नहीं करना है। तो इसका आज यूज नहीं है, 2 दिन के बाद मैं वो भी आपको दिखा दूंगी। सो चलिए हम सबसे पहले चलिए हम हेयर वॉश करते हैं। बिफोर आपने मेरे हेयर की क्वालिटी तो देखी ली, या आगे दिखाऊंगी। तो इस तरह से क्लैरिफाइंग शैम्पू को मैं निकाल रही हूँ बाउल में, एटलीस्ट 2 बार आपको शैम्पू करना है, तभी हेयर के क्यूटिकल्स खुलेंगे तो अच्छे से केराटिन क्रीम काम करेगा। बिफोर आप देख सकते हो कलर काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है मेरे हेयर में। तो इस तरह से आपको डाइल्यूट कर लेना है वाटर में इस तरह से शैम्पू को। सबसे पहले हेयर को वेट करना है, नेक्स्ट आपको शैम्पू करना है। हमेशा ध्यान रखना है आपको 2 बार शैम्पू ज़रूर करना है एंड जब भी आप शैम्पू करते हो क्लाइंट के हेयर पे, आपको जो शैम्पू था डायरेक्ट स्कैल्प पे नहीं लगाना है, डाइल्यूट करके लगाना है एंड इस तरह से आपको अच्छे से 2 बार शैम्पू कर लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्राई आपको नॉर्मली जैसे हम करते हैं ब्लास्ट ड्राई भी कर सकते हो एंड पैरेलल ब्रश की हेल्प से भी करना है। तो पहले 20% ड्राई कर लीजिए टॉवल के हेल्प से, देन इस तरह से ड्रायर के हेल्प से आपको अच्छे से हेयर को ड्राई करना है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आइकॉनिक का हेयर ड्रायर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेयर ड्रायर है, इजीली आपको अमेजोन पर मिल जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी सारे प्रोडक्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देने का। कॉम भी मैंने यूज़ किया है वेगा का, वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले आपको अच्छे से यहाँ पे ब्लो ड्राई कर लेना है, स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है पहले ब्रश की हेल्प से, डन।
नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है केराटिन क्रीम अप्लीकेशन, जो कि बहुत ही पतले पतले सेक्शन में करना है। तो ये रहा जीके का सेकेंड नंबर। आपको सबसे पहले इस तरह से बाउल में निकालना है, आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं निकालना है। एंड हाँ, लगाने से पहले आप शेक कर लोगी इस तरह से, मैंने आपको दिखा दिया। शेक करने से क्या होता है, सारा प्रोडक्ट जो भी है वो एक साथ जमा नहीं रहता नीचे में, अच्छे से वो मिक्स हो जाता है। बाउल में आपको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी निकालना है, यानी 50 ml करके आपको निकालना है इस तरह से। ब्रश की हेल्प से इस तरह से मिला देना है। जो भी ब्रश एंड सेक्शन क्लिप मैंने यूज़, सबका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। ब्लो ड्राई के बाद मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, एंड ये शैम्पू करने के बाद ना बहुत ही हेयर सिल्की भी हो गए थे। 4 पोर्शन में इजीली हेयर को डिवाइड करना है। बेसिक सा सेक्शन है, ग्लव्स वेयर कर लेना है क्योंकि बहुत हार्ड क्रीम होता है, मास्क वेयर कर लेना है। रूट से 1 या 2 इंच छोड़ना ही छोड़ना है कंपलसरी, वरना डैंड्रफ हो जाएंगे क्लाइंट को, अगर आप क्लाइंट को करोगे स्कैल्प से लगा के। तो रूट से 2 इंच छोड़ के आपको 3 डॉट इस तरह से सिंपली 3 डॉट करके अप्लाई करना है, एंड आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ऑयल अप्लाई कर रहे हो। बहुत ही लेस क्वांटिटी लगता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगता है। मेरे हेयर में 150 ml से थोड़ा कम ही लगा होगा, 140 ml या 135 ml आई गेस लगा होगा। सो आपको एकदम पतला पतला पोर्शन लेना है, इमल्सिफिकेशन बहुत अच्छे से करना है, कॉम करना है इस तरह से, स्ट्रेट इसको रख देना है। सिंपल, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं। लाइक आप स्पार्क क्रीम कैसे लगाते हो वैसे ही लगाना है। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले ही प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, हाइलाइट्स वाले वीडियो में, कि यहाँ मेरी स्टूडेंट कर रही है मेरा, तो इनको भी थोड़ा डर लग रहा था कि, क्योंकि होता है ना कि मैं इनकी टीचर हूँ, तो इनको भी डर लग रहा था कि मैम के हेयर में कर रही हूँ तो बहुत अच्छे से करना है। इसलिए इन्होंने बहुत ही टाइम लेके, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से, आपने देखा होगा छोटा छोटा पोर्शन लेके क्रीम को अप्लाई किया, एंड बहुत अच्छे से इन्होंने किया, ट्रस्ट में बहुत अच्छे से किया, अपनी तरफ से बेस्ट किया इन्होंने। सो इस तरह से आपने देखा 2 इंच छोड़ के इन्होंने लगाया है, इस तरह से सिंपली इन्होंने लगाया। एमल्सिफिकेशन बहुत अच्छे से फिंगर से किया, कॉम किया, ताकि हर एक हेयर में अच्छे से क्रीम अप्लाई हो जाए। हर एक हेयर में क्रीम लगना चाहिए, अदरवाइज रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। जिनके हेयर भी बहुत कलर वाले हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है केराटिन, आप ज़रूर से ज़रूर करवाना। इस तरह से सिंपली आपने देखा 3 डॉट करके बीच बीच में आप अप्लाई कर लेना। एंड अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी बाद में लगेगी तो थोड़ी सी आप ले भी सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि आप नहीं ले सकते हो। जैसे बीच में हेयर ड्राई मेरे हो गए थे, क्योंकि नीचे वाले हेयर में ना बहुत ज़्यादा ड्राई है, क्योंकि मेरे हेयर स्किन सब कुछ ड्राई है, तो मुझे ना हमेशा नीड होता है स्पा का, या फिर मैं हमेशा मास्क लगाती हूँ, बट फिर भी मेरे हेयर काफ़ी फ्रीजी एंड ड्राई लगते हैं। दैट्स वाई मेरे हेयर में ना थोड़ा क्रीम भी ज़्यादा लगा। जिनके हेयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है ना, उनको थोड़ा सा क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी एज़ कम्पेयर टू ऑयली स्कैल्प जिनका होता है या फिर ऑयली हेयर होता है। सो ये सब भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताया है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस पूरे केराटिन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप जब क्रीम का अप्लीकेशन करते हो, कोशिश करना है आपको कि 20 मिनट के अंदर आप पूरे हेयर में अप्लाई कर दो। अगर आप टोटल हेयर में 20 मिनट के अंदर अप्लाई नहीं करोगे ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने की चांसेस है। मैं बताती हूँ क्या प्रॉब्लम आने की चांसेस है। एक तो बहुत ज़्यादा ये जलता है, आप मेरा फेस देखो यहाँ पे, सच में लिटरली मेरी इनको थोड़ा टाइम लगा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट इनको 25 मिनट लग गए थे टोटल हेयर में अप्लाई करने में। तो मेरे को ना इतना ज़्यादा आईज में लग रहा था, इतना ज़्यादा, मैंने सोचा था क्या कि जीके का केराटिन एक्सपेंसिव है बाकी के केराटिन से, तो शायद ये आँखों में नहीं लगे, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा ये लग रहा था। बल्कि ये मुझे बाकी केराटिन जो मैंने यूज़ किया, मैंने केराफाइन लक्स उससे ज़्यादा मुझे ये लग रहा था आँखों में, मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई थी। यही ले इसलिए मैं आपको यह वीडियो में बता भी रही हूँ कि आपको मास्क वेयर पहले ही कर लेना है। मैंने नहीं वेयर किया था, बट आप कर सकते हो, एंड आप आईज जितना हो सके क्लोज रखो, एंड आपको क्रीम का अप्लीकेशन थोड़ा फास्ट करना है। बस यही मैं छोटा सा टिप्स आप लोग को देना चाहती हूँ। ये ना मतलब बहुत ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू बाकी केराटिन, तो मैंने जितना फील किया मैं आपको वो बता रही हूँ। 20 मिनट या 25 मिनट के अंदर पूरे हेयर में लग जाना चाहिए। आप देख सकते हो, मैं लिटरली मैंने कट नहीं किया, मैंने आपको दिखाया है कि कितना ज़्यादा ये आँखों में जल रहा था। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं, मैं उनको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। तो अच्छे से लगा देने के बाद आपको इसको कवर करना है क्लिंग रैप से 40 to 45 मिनट के लिए, ताकि जो भी आपने केराटिन क्रीम को अप्लाई किया है वो हेयर के अंदर अच्छे से इन्फ्यूज़ हो, डीप पेनिट्रेट करे, एंड आपके हेयर में अच्छे से कोटिंग दे, लेमिनेशन दे। इसका जो केराटिन का रिजल्ट होता है तभी अच्छा आता है जब आप इसको कवर करोगे। तो मेक श्योर आपको कवर करना है, एंड कवर करने के बाद ना आँखों में नहीं लगता है। जी हाँ,
42-45 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको। जैसे ही 45 मिनट होंगे आपको इसको तुरंत रिमूव करना है। पहले आपको कम से कम 10 मिनट के लिए ठंडा हवा देना है। जी हाँ, ये एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठंडा हवा 10 मिनट के लिए देना है एंड देन आपको ब्लो ड्राई करना है 100%। जैसे कि आप पहले ठंडा हवा दे दोगे 10 मिनट के लिए, फिर आप गर्म हवा दोगे तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगेगा। 15 मिनट के अंदर ये मेरे हेयर में पूरा ड्राई हो गया था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। बाकी के जो केराटिन होते हैं ना, थोड़े से चिपचिप लगते, ये बिल्कुल भी चिपचिप नहीं लग रहा था ड्राई होने के बाद, एंड ये इंस्टेंट ड्राई भी हो गया था। सो जो आपको थोड़ा बॉदर करेगा ना, जब आप क्रीम अप्लाई कर रहे हो तो जो अप्लाई करते हैं उनको ज़्यादा नहीं लगता है। जैसे मैंने खुद के हेयर में करवाया तो मुझे ज़्यादा लग रहा था, बाकी जो मेरी स्टूडेंट लोग अप्लाई कर रही थी या मेरी सिस्टर भी थी हेल्प के लिए, उनको ज़्यादा नहीं लग रहा था, मुझे ज़्यादा लग रहा था। तो जो करवाते हैं उनको मैं बोलूँगी कि पहले ही मास्क वेयर कर लेना। बट ड्राई यहाँ पे हो रहा है, आप देख सकते हो, ब्लो ड्रायर स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है एंड इस तरह से, तो इस टाइम आप मास्क वेयर कर सकते। आप में से बहुत लोग पूछोगे कि मैम ये आंखों में इतना क्यों लगता है, इसका रीज़न है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड है जिसकी वजह से ये आंखों में बहुत ज़्यादा लगता है। मैं ना चाहती हूँ खुद कि मैं ना केराटिन वाले कंपनी को बोलूँ कि आप इसमें थोड़ा क्वांटिटी कम कर दो फॉर्मल्डिहाइड का, जिसकी वजह से क्लाइंट को भी कम लगे। बाकी जो भी इसका थ्योरी मैं आगे बताती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 7, जिसमें आपको मैंने बताया है आपको लेना एकदम थिन सेक्शन, यानी कि पतला पतला पोर्शन जिसमें आपकी हथेली दिखाई दे, एंड आपको 230 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर जिनकी हेयर पतली है उन पे 180 वाट या फिर 210 पे आप करोगे। मेरे हेयर थोड़े से थिक क्वालिटी के हैं तो डेट्स वाई मैंने यहाँ पे 230 डिग्री सेल्सियस पे आयरन करवाया अपने हेयर में। अब जो आप आयरन करोगे ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है पूरे केराटिन का। अगर आप मुझसे पूछोगे मैम सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा पोर्शन है जिसे हमें ध्यान रखना है, वो यही वाला पोर्शन है। आपको जो आयरन करना है वो एकदम फाइन सेक्शन को लेना है एंड कम से कम एक हेयर में आपको 10-15 टाइम्स आयरन को रिपीट करना है इस तरह से। ये करने से ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आप पूछोगे क्यों मैम आपने इसको वॉश क्यों नहीं किया, आप डायरेक्ट आयरन क्यों कर रहे हो, सबका मेडिसिन आपको बताती हूँ, तो ध्यान से सुनिए। केराटिन बेसिकली क्या होता है, आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते हो कि मैम केराटिन क्यों करवाना चाहिए या फिर केराटिन क्या होता है। तो देखो, सिंपल शब्दों में मैं आपको यही बताऊंगी, केराटिन एक प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है। जी हाँ, इसे हम प्रोटीन ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, इसे हम सिल्क प्रोटीन ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। सो केराटिन ना ऑटोमेटिक हमारे जो ह्यूमन बॉडी में होता है वो पाया जाता है, जैसे कि नेल्स में पाया जाता है, हमारे स्किन में पाया जाता है, हमारे हेयर में पाया जाता है। बट जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, आप ऐसा समझो, तो धीरे धीरे केराटिन क्या होता है, आपके नेल्स से भी थोड़ा कम हो जाता है, हेयर से भी कम हो जाता है, स्किन से भी कम होता है। तो उसी को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे हमें अपने हेयर में केराटिन कराना चाहिए। प्रोटीन ट्रीटमेंट भी सिंपली आप इसको बोल सकते हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो केराटिन कराने से क्या होता है, आपके हेयर में जो भी प्रोटीन की कमी थी, यानी कि आपके हेयर ड्राई थे, फ्रीजी थे, वो सब कुछ ठीक हो जाएंगे। लाइक इसमें ना आपके हेयर स्ट्रेट नहीं होते टोटली। बहुत लोगों को ये लगता है, ये मिथ है कि केराटिन ट्रीटमेंट कराएंगे ना हम तो हमारे हेयर स्मूथनिंग की तरह पूरे स्ट्रेट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। मैं बताती हूँ, स्ट्रेट होते हैं 50-60% होते हैं, बट उसका भी एक रीज़न है। केराटिन से क्या होता है, हमारे जितने भी हेयर के फ्रिजनेस, बेबी हेयर होते हैं, वो सब के सब गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो फ्लैट हो जाते हैं, वो खड़े खड़े आपको दिखाई देते हैं। बट जैसे ही आप उसमें प्रोटीन अप्लाई करते हो ना, वो एकदम मतलब फ्लैट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जितना भी हेयर में फ्रिजनेस था वो फ्लैट हो गया, उसके वजह से आपके हेयर स्ट्रेट नज़र आते हैं, ना कि ये आपको स्ट्रेट वाला लुक देता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें अमोनिया नहीं है जिसकी वजह से ये हेयर को स्ट्रेट करे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप ध्यान से सुनना। तो मैंने क्या बोला, फ्रिजनेस जब आपके हेयर से चला जाएगा, बेबी हेयर चला जाएगा, ऑटोमेटिक आपके हेयर स्ट्रेट लगेंगे, इसलिए ये 50% ही हेयर को स्ट्रेट करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, कर्ली हेयर वाले को करवाना चाहिए नहीं, करवा सकते जिनको बस प्रोटीन चाहिए हेयर में, या फिर हाइलाइट्स करवाने के बाद या स्मूथनिंग करवाने के बाद या रिबॉन्डिंग करवाने के बाद डैमेज हो गए उनके हेयर, उनके लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आप वर्जिन हेयर में काम करते हो, यानी कि जिनके हेयर में कभी कोई केमिकल यूज़ नहीं हुआ है, डाई लगा हुआ है, फिर मेहंदी वो बहुत ज़्यादा हेयर में लगाते हैं, तो उनके हेयर में अगर डायरेक्ट आप केराटिन करोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि केराटिन उसी हेयर में ज़्यादा अच्छा काम करता है जिस हेयर में पहले से केमिकल यूज़ हुआ हो, यानी कि केमिकल ट्रीटेड हेयर में। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो भी क्लाइंट आपके पास आते हैं ना रिबॉन्डिंग करवाने के बाद, जिनके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं रिबॉन्डिंग के बाद, या फिर स्मूथनिंग के बाद, या फिर स्मूथनिंग के बाद हेयर जल जाते हैं जिनके, तो उनको ठीक करने के लिए आप केराटिन करोगे। दूसरा, हाइलाइट्स जो करवाते हैं रेगुलर, कलर करवाते
पाते हैं वो भी केराटिन कर सकते हैं। एंड केराटिन कराने से एक और फायदा है कि आप इसके बाद कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हो, लाइक आप कर्ल कर सकते हो, क्रिम्पिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट आप स्मूदिंग जब करवाते हो तो आपको हेयर ओपन ज़्यादा रखना होता है, आप ज़्यादा रबर नहीं लगा सकते हो, आप स्टाइलिंग ज़्यादा नहीं कर सकते हो। इसलिए मुझे केराटिन पर्सनली काफ़ी पसंद है, मुझे स्मूदिंग एज सच इतना पसंद है, इसलिए मैंने केराटिन ही अपने हेयर में 2 बार करवाए हैं। अब बात करते हैं केराटिन आपके हेयर में कितने दिन तक रहता है। केराटिन आपके हेयर में रहता है 6 मंथ के लिए, 4 to 6 मंथ के लिए कहा जाता है, 32 वीक्स भी बोला जाता है इसको कि ये रहता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि मैम ये इतनी जल्दी क्यों निकल जाता है हमारे हेयर से, इतना एक्सपेंसिव ये होता है, क्योंकि ये एक तरीका से लेमिनेशन का काम करता है। जिस तरह से आप मोबाइल ख़रीदते हो तो मोबाइल के ऊपर आप लेमिनेशन कराते हो ना, लाइक तो आपके मोबाइल को ताकि वो अंदर से प्रोटेक्ट करे, उसी तरह से यहाँ पे जो हमने केराटिन क्रीम को अप्लाई किया उसको हमने पहले ड्राई किया, ब्लो ड्राई किया, देन या आयरन करे, तो हम क्या करें सारे क्रीम को अब्जॉर्व करवा रहे हेयर के अंदर, हम लेमिनेट कर रहे हैं अपने हेयर को। इसी वजह से आप जितना वॉश करोगे इतना जल्दी ये निकलेगा। सो आयरन हो गया, आयरन के बाद का ये फाइनल रिजल्ट है। सीरम यहाँ पे वेला का यूज़ किया गया है, तो सीरम आपको लगा लेना है, ठीक है। सीरम लगाने के बाद ये फाइनल रिजल्ट है आपके सामने, आप देख सकते हो हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं, आयरन बहुत अच्छे से हुआ है, मैंने सब कुछ आपको डिटेल थ्योरी भी बताया है। सो ये रहा जिस दिन मैंने केराटिन कराया तो उस दिन का रिजल्ट। अब मैं आपसे मिलती हूँ 48 आवर्स के बाद। तो 48 आवर्स के बाद हमारे हेयर ना काफ़ी ज़्यादा फुल जाते हैं, इस तरह से आप देख सकते हो, आपको काफ़ी हैवी भी फील होगा आपका स्कैल्प। तो अब 48 आवर्स के बाद आप क्लाइंट को बुलाओगे अपने सैलून में, एंड बहुत सारे क्लाइंट तो नहीं भी आते हैं, तो सिंपली अगर जो आ रहे उनके लिए मैं बता रही हूँ। आपको क्या करना है, पतला पतला, ज़्यादा नहीं लेना है, एकदम थिक सेक्शन लेना है, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं, इन बिटवीन का, एंड इस तरह से आयरन करना है। जी हाँ, 48 आवर्स के बाद आप करोगे आयरन सबसे पहले, एंड देन आप करोगे शैम्पू एंड कंडीशनर, जो कि 3rd और 4th नंबर हमें इसमें दिया हुआ है। जी हाँ, आई होप मैं कोई भी पॉइंट नहीं मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं एकदम शिद्दत से बनाऊँगी आप लोगों के लिए, ताकि आपको हर कुछ समझ आए। तो डन, आप देख सकते हो, आप आयरन हमें कर दिया। अब हम करेंगे हेयर वॉश, तो 3rd 4th नंबर जीके का मैंने परचेस किया हुआ है, उसी से मैं करूँगी हेयर वॉश। ये रहा, तो जैसे हम बाकी शैम्पू करते हैं, आप डाइल्यूट कर लेना वाटर में इस तरह से, एंड देन आप शैम्पू करोगे। शैम्पू आप फर्स्ट टाइम करो केराटिन की डायरेक्ट बात, तो आपको 2 बार शैम्पू करना है एकदम अच्छे से, एंड कंडीशनर बहुत अच्छे से लगाना है। जी हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना भूल गई जब वीडियो में इतना आगे में बढ़ गई, कि जिस दिन मैंने केराटिन करवाया था उसके 48 आवर्स का जो गैप रहता है ना, उस बीच आपको हेयर ओपन ही रखने हैं, क्लचर नहीं लगाना है, वाटर आपको हेयर में नहीं डालना है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैं मतलब समझाते समझाते यहाँ तक आ गई, मुझे पता नहीं चला, तो मैं ये पॉइंट भूल गई थी। तो ये सब क्लाइंट को आपको बोल देना है, तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इस तरह से अच्छे से आपको 2 बार एटलीस्ट शैम्पू करना है, एंड अच्छे से आपको कंडीशनर अप्लाई करना है। जी हाँ, तो 2 दिन के बाद का जो रिजल्ट होता है ना, वही होता है रियल रिजल्ट। आपको उसी में पता चलेगा कि हेयर कितने स्ट्रेट हुए हैं, कितना शाइन आया है, फ्रिजनेस गया या नहीं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किया है, एंड आपको सब कुछ मैंने बता दिया है। मैंने स्ट्रेटनर कौन सा यूज़ किया था, आइकॉनिक का, मैंने वो भी आपको मेंशन कर दिया। बाकी सारे प्रोडक्ट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया, इनकेस अगर आप कुछ भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ये रहा वेला का सीरम, अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सीरम वेट हेयर में ही, एंड अब हम करेंगे नॉर्मल ड्राई हेयर को। बिल्कुल हम कोई आयरन मशीन का यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मल आपको ड्राई करना है, एकदम नॉर्मल, ज़्यादा ब्लो ड्राई भी आपको नहीं करना है। एंड जैसे जैसे हेयर सूखेंगे आपको पता चल जाएगा रिजल्ट। इतना अच्छा मेरा रिजल्ट आया है, ट्रस्ट में, मेरे हेयर बहुत ही सिल्की स्मूथ हो गए हैं, मुझे ऐसा ही हेयर पसंद है। केराटिन का रिजल्ट मुझे पर्सनली क्यों पसंद आता है, क्योंकि इसमें हेयर ना स्ट्रेट भी हो जाते हैं, सॉफ्ट भी हो जाते हैं, मैनेजेबल भी लगते हैं, एंड बहुत प्यारा लुक आता है। लाइक आप देख सकते हो कितना अच्छा शाइन आया है, तो शाइन काफ़ी ज़्यादा आपको हेयर में मिलेंगे। तो यही था ओवरऑल केराटिन ट्रीटमेंट का होल प्रोसेस, हमारे हेयर में क्यों केराटिन कराना चाहिए, क्या होता है केराटिन और केराटिन कितने दिन रहता है, सब कुछ मैंने बता दिया। अब बात करते हैं केराटिन हमें कितने कितने टाइम तक कराते रहना चाहिए। आप 6 मंथ के गैप में करवा सकते हो केराटिन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस मैं प्रेगनेंट वुमेन को नहीं रिकमेंड करूँगी, एंड जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम सफोकेशन का है वो भी नहीं करवाए। एंड मैं यही बोलूँगी कि जब भी आप केराटिन अप्लाई करते हो आप क्या करोगे, मास्क वेयर कर लोगे, एंड एसी का जो टेम्परेचर होता है ना उसको थोड़ा सा हाई कर देना। उससे क्या होता है, जब आप हेयर को ड्राई करते हो ना तो थोड़ा सा ठीक लगता है। अगर आप
विदाउट एसी ब्लो ड्राई करोगे ना, थोड़ा सा सफोकेशन क्लाइंट को फील होगा। तो ये कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने बता दिया। इतना कोई भी आपको सीक्रेट नहीं बताएगा गाइज, मैंने हर कुछ आपको बताया है, मतलब जो रियल मैं अपने सलून में सिखाती हूँ ना वैसे मैंने सिखाया, मैंने कुछ भी हाइड नहीं किया आपसे। 2 दिन के बाद का रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा आपको लग रहा है ना, जिस दिन मेरा केराटिन हुआ उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट 2 दिन के बाद का है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेयर सॉफ्ट होगा, बिल्कुल चिपचिप नहीं लग रहा, क्योंकि केराटिन कराने के बाद ना तुरंत थोड़े से हेयर हैवी लगते हैं, थोड़ा सा वो थोड़ा सा अजीब स्मेल भी करता है लाइक। तो 2 दिन के बाद का रिजल्ट आप देख सकते हो, यही है फाइनल रिजल्ट, यही रिजल्ट आपके हेयर में रहेंगे अगर आप केराटिन वाला ही शैम्पू यूज़ करते हो। अगर आप कोई और शैम्पू यूज़ करोगे तो आपके हेयर में रिजल्ट इतने दिन का नहीं रहेगा, मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ ये चीज़ आपका। बहुत लोगों को लगता है कि हम करवा तो लेंगे शैम्पू कंडीशनर, हम अदर ब्रांड का यूज़ करेंगे, उससे रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आएगा। तो जैसे ही आप वॉश कर लेते हो 48 आवर्स के बाद, तो आप क्लचर रबर कुछ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत कुछ है बताने को, आप कम से कम 3 मंथ के लिए ऑयलिंग नहीं करो। अगर आप ऑयलिंग करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपके हेयर से ना केराटिन जल्दी जाने लगेगा। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट थे। फाइनल रिजल्ट आपके सामने है आफ्टर हेयर वॉश कि मेरा हेयर कैसा नजर आ रहा है। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ जीके केराटिन। इसका रिव्यू मुझे बहुत, मतलब इसका रिव्यू मैं ये दूंगी कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आपको स्ट्रेटनिंग का लुक भी इसमें मिल जाएगा, हेयर आपके बहुत ही ज्यादा सिल्की एंड स्मूथ नजर आएंगे, जैसे कि मेरे नजर आ रहे हैं। एंड अगर आपके हेयर कलर की वजह से डैमेज दिखाई देते हैं, तो वो डैमेज बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, इवन 2 मुहे बाल भी नजर नहीं आएंगे एंड बहुत ही मैनेजेबल हो जाएंगे। सो आप ट्राई कर सकते हो इस प्रोडक्ट को। इस प्रोडक्ट को मैंने उनकी वेबसाइट से मंगवाया था, तो आप भी उनकी वेबसाइट से मंगवा सकते हो। लाइक आप देख सकते हो स्मूथनिंग के जैसा मुझे रिजल्ट मिला है, जैसे स्मूथनिंग में हेयर स्ट्रेट नजर आते हैं, उसी तरह से इसका भी रिजल्ट है। तो जिस लोगों को स्ट्रेटनिंग वाला लुक भी पसंद है, वो भी करवा सकती है। जैसे आप देख सकते हो मेरा लुक ही चेंज हो गया है, मैंने आज बिल्कुल भी कोई आयरन मशीन यूज अपने हेयर में नहीं करवाया है, ओनली मेरे हेयर में एकदम लाइट ब्लो ड्राई किया गया है, एकदम लाइट सा। एंड लुक आप देख सकते हो, यानी कि फाइनल लुक आप देख सकते हो कितने सिल्की एंड सॉफ्ट मेरे हेयर लग रहे हैं। सो आई होप आज की वीडियो से आपने सीखा है किस तरह से हमें केराटिन करना चाहिए, केराटिन का क्या प्रोसेस है, फिर केराटिन करने का सही तरीका क्या होता है, सही रिजल्ट क्या है, क्योंकि बहुत लोग ना केराटिन का रिजल्ट नहीं दिखाते 3 दिन के बाद का, बट मैंने आपको 3 दिन के बाद का भी रिजल्ट यहाँ पे दिखाया है। तो इस वीडियो को प्लीज आप बड़ा सा लाइक दीजिएगा, क्योंकि मैंने वीडियोस को कम से कम 2 दिन शूट किया, आज भी शूट किया एंड जिस दिन मैंने करवाया था उस दिन भी शूट किया। तो प्लीज इसके लिए आप एक लाइक तो जरूर करोगे, बहुत मेहनत लगी है। एंड आप कर सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। एंड आप कमेंट में बता सकते हो कि मेरा हेयर कलर आपको कैसा लगा, क्योंकि कलर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे जा चुकी है, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वाला कलर करवाना है तो करवा सकते हो। एंड जीके केराटिन का आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा नहीं किया है तो, एंड मुझे फेसबुक फॉलो कर लीजिएगा नहीं किया तो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल जो कि बिल्कुल फ्री होता है। इसी तरह के मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाती रहूंगी एंड मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।